वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। बेटा हम फिर से 10th क्लास मैथ की वही सेम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। हमने सेकेंड क्वेश्चन तक कर लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है इसमें सॉल्यूशन। क्या देखेंगे हम इसके अंदर? भाई पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6x² - 3 - 7x। पहले तो उसको लाइन से लगाएं, पहले एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, -7x - 3, 6x² - 7x - 3। क्लियर यहाँ तक बात? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेते हैं। 6 3 = 18 होता है, आओ 18 का एलसीएम निकालते हैं हम। 18 का 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 7x लाना है, 3 3 = 9 9 से 2 = 7। तो पेयर बनाना है हमें पहले, तो पहले 6x² - 9x + 2x - 3 पेयर बना लो। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं और दोनों में x है, तो 3x कॉमन ले लिया हमने, 3x कॉमन ले लिया, 3 2 = 6 - 3 3 = 9। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया। यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2x - 3। बाहर वाला एक तरफ कर लो बेटा, अंदर वाला एक तरफ। ठीक है, हम करेंगे इसको कैसे, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। ये हमारा आ गया x = 3/2। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3x - 1 और x = आ गया हमारा -1/3। ठीक है, हमने x का निकाल दिया, हमने यहाँ पे भी x का निकाल दिया। अब ये हमारा क्या हो जाता है, अल्फा, और ये हमारा हो जाता है बीटा। ठीक है, ये तो हमने निकाले जीरोज़, हमने क्या निकाल दिए, जीरोज़ हमने निकाल दिए, जीरोज़। अब जीरोज़ होने के बाद अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो जब हमारा जीरोज़ होता है तो जीरोज़ के बाद हम उनका रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप निकालते हैं इनका। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। अब यहां पर हम पहले देखेंगे a क्या है हमारा, a है हमारा 6x² के साथ है, जो x के साथ होता है वो होता है b - 7, c क्या है हमारा -3। ठीक है, और डिस्कस करते हैं। ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा हमारा, -b/a कितना हमारा 6, अल्फा कितना हमारा, अल्फा है हमारा -1/3, प्लस बीटा क्या हमारा 3/2। ये तो हमारा हो गया क्या, 7/6। यहाँ तो बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ पहले, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हमारा है यहाँ पे 3 जो है थ्री टू जा सिक्स
माइनस टू प्लस थ्री थ्री नाइन, सेवन बाय सिक्स। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, नाइन प्लस का टू माइनस का, तो क्या हो गया, सेवन बाय सिक्स बराबर सेवन बाय सिक्स आ गया हमारा। तो हमारा ये तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज़ में दोनों साइड हमारा वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या करोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फ़ा क्या हमारा माइनस का वन बाई थ्री, बीटा क्या हमारा थ्री बाई टू बराबर, सी क्या हमारा माइनस का थ्री, ए क्या हमारा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, दोनों साइड माइनस का थ्री बाई सिक्स, ये भी वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, हमने अब जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वो फर्स्ट का थर्ड डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमने यहाँ पे सॉल्व किया, हमें बहुत इजी तरीके से आ गया होगा शायद। अगर आपको फिर भी यहाँ पर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर के साथ, ठीक है, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर बेटा।